उस गैंग से बचाया मुझे थैंक्स नहीं कहोगी? अरे वो तुम्हें उठाकर ले जाते तो क्या? कभी कभी ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी वैल्यू तुम जानती नहीं हो। सच कह रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा इस दुनिया में। जितने भी बेवकूफ है ना, तुम उन सबसे गए गुजरे हो। हाँ हूँ मैं बेवकूफ, इसलिए हर बेवकूफी को मैं इजीली डील कर लेता हूँ। दुनिया के नक्शे में जमाई का एक छोटा सा देश सही, लेकिन इस इवेंट में सबको पछाड़ देगा। देखो मेरी मदद से तुम यहाँ तक पहुँची हो, मैं हटा तो यहाँ पहुँचाऊंगी। तुमसे छुटकारा मिला तो खुश हो जाऊंगी। अमृता, आई लव यू। अब तक तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिलाकर चलता रहा, अब तुम्हारे दिल पर राज करूंगा। तुम्हारे एक थप्पड़ ने मेरे अंदर के जज्बातों को क्लियर कर दिया है। गुड फॉर यू। अमृता रुको, तो तुम्हारे भैया के लास्ट कंपोजिशन में लगता है कोई मैसेज है, जरा सुनने दो। मैं नहीं दूंगी। अरे तो जेन्ना GAMMAJG, इसे अगर ऑटो करेक्ट करके देखो तो। ट्राई करता हूँ। ये लो खुद देख लो। जरा होश में आओ, इन आंसुओं को और गुस्से को अपने अंदर दबाकर बारूद बनाकर दिल में बसा लो, और इस बारूद को स्टेपल सेंटर के कंपटीशन में इस्तेमाल करना। हेलो अंकल, बोल रहा हूँ। भैया की मौत के पीछे का राज पता चल गया है। सबूत तुम लोगों के हवाले करने के लिए ही मैंने फोन किया है। तुम पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे मेरे पास आ जाओ। ओके। अंकल, आपने कहा था भैया की मौत का सबूत आपको। तुम्हारे भैया की मौत का सबूत भी मैं हूँ और जिम्मेदार भी। ये अचानक आप क्या कह रहे हैं अंकल? उस दिन भैया के फ्लैट के डोर का रिमोट जेना को मैंने ही दिया था। इतना ही नहीं, तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करके मैं तुम्हें भी मरवाना चाहता था। मतलब वो सारे लोग? मैं जेना के हाथ बिक गया था, पैसों के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। तुम्हारे भैया मौत के घाट उतर गए और अब तुम भी अपनी जान पर खेल रही हो उसका सपना पूरा करने के लिए। तब मेरे समझ में आया इंसान के लिए सपनों का क्या महत्व है। टांगे, अब आया कहानी में ट्विस्ट। तेरा वक्त खराब चल रहा है। तेरे मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए मैंने इसे बुलाया है। इतनी हिम्मत है इसमें? वो तू इससे टकरा कर देख ले। एक बार तू इससे टकराएगा तो इसका डर जिंदगी भर तेरे जहन में रह जाएगा। इतना जांबाज है ये? तू इसके बारे में जानता क्या है? इसे कमजोर समझने की गलती मत कर। शेर है ये शेर, इसके सिर्फ गुर्राने से तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। रॉक, जाओ, जाकर मेरे भैया को मारने वाले को मर्दानगी क्या होती है इस बात का परिचय दो। यह चैलेंज मुझे पसंद आया रॉक। तुम बिना जलाए सिगरेट से खेल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी हिम्मत को ये लोग कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। अभी सब साबित हो जाएगा। सोचा मैं बिना चलाए हुए सिगरेट से खेल रहा हूं।
लोग बाहर जाकर गाड़ी सेटअप करो, मैं इस कूड़े कचरे को साफ करके आता हूँ। जिना, मैं तुझे देखने के लिए नहीं आऊंगा, तू मुझे देखने के लिए दर दर भटकेगी। मुझे उसे देखना है। जिना, देख ले मुझे। उसे मार डालो। वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए तुम लोगों को फुल पब्लिक सपोर्ट चाहिए। डांगे, उनका टफ स्टेज यही है, किसी एक म्यूजिक ग्रुप को पकड़ो और उनका एक म्यूजिक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दो। उसे देखने वाले लोगों की कमाई से हम लोग उस वीडियो का हाईएस्ट हिटिंग कर सकते हैं। वो हाईएस्ट हिटिंग कमाना चाहते हैं, इसका मतलब उन लोगों की सोच मामूली सोच नहीं है, खतरनाक सोच है। और उससे पहले स्टेपल सेंटर एरिया के काउंटी ऑफिस में $1,00,000 डिपॉजिट करवा के ब्रांड नेम रजिस्टर करवा दो। अभी के अभी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता है, इसीलिए हमें किसी तरह $1,00,000 कमाने हैं। वो लोग भी पैसा डिपॉजिट करने के लिए काउंटी ऑफिस आएंगे। सब बाहर निकलो, गाड़ी को साइड में लगा दो। तू भी बाहर आजा बेटा, मैं देखता हूँ मेरे बैंक में कितना है, जितना भी होगा मैं भिजवा देता हूँ। तुम जिना से केयरफुल रहना। बाय अंकल। बाय बाय। गाड़ी में से तो सब लोग निकल चुके हैं, तो फिर ये अंदर ठोक कौन रहा है? अरे खोलो यार। अरे बाप रे, पायरेसी, मल्टी स्टार। मेरी पावर पे यकीन रखो, बहुत ज्यादा। ऊपर पे यकीन रखो, तुम्हें हिम्मत मिलेगी। टाइगर पर बिलीव करो तो तुम्हारा जोश बढ़ेगा। एक आया तो सुना, लेकिन तीनों एक साथ आए, पावर टाइगर सुपर। बाप रे, इन्हें शायद पता है कि मैं पायरेसी करता हूँ। थैंक्स सर। हे, हु आर यू मैन? व्हाट आर यू डूइंग हियर? लगता है तुम लोगों को हिंदी नहीं आती है। अरे बस गया रे, आप लोग यहाँ नए हैं। ये जगह भास्कर की है, बड़े एक्टर्स की फिल्मों को पायरेसी करके करोड़ों करोड़ों कमाता है। बिंदास लोगों के लिए क्रेजी सिनेमा, मैं भी इसी की पायरेसी करता हूँ। लोगों को पता चल गया तो हड्डियाँ तोड़ देंगे, इसीलिए छुप छुप कर रहा हूँ। What do you mean by छुप छुपा के? खुलेआम क्यों नहीं? It's a sweet name. तुम भी बड़े छुपे रुस्तम हो। लगता है मुझे पागल समझ रहा है, तुम क्यों हंस रही हो? अरे तुम लोगों को हिंदी आती है? सब समझ गए। बाप रे, ये क्या हो गया? आप सब है कौन? फैंस तो शेर थिएटर में है ना। अगर वो भास्कर करेक्ट टाइम पे प्रिंट लेकर यहाँ नहीं पहुँचाना तो ये भीड़ हमारी बैंड बजा देगी। देखा, इन्हें कहते हैं फैंस। हमें भी उन्हीं लोगों ने भेजा है। इस फिल्म की पायरेसी ना हो, ये देखने वाले स्क्वाड हैं हम। ये बात हम उन फैंस को बता दे तो? भगवान के लिए नहीं जी, बताओ ना कितनी रिश्वत चाहिए, मैं दे दूंगा। ये तुम ही डिसाइड करो। 1,00,000 दे देता हूँ। हमें पूरी रकम 1 घंटे के अंदर चाहिए। इतनी जल्दी रिश्वत चाहिए तुम्हें? अभी 1,00,000 दूं? तुम्हारे जेब में अभी कितना है? 1,00,000 है, उतना दे सकता हूँ। जल्दी से फोन लगाओ और 1,00,000 का इंतजाम करो। चीची, अरे गैस बॉम्ब की तरह क्यों बोल रहे हो? इसे बम मत कहो, रिंगटोन करके बुलाओ। ये प्यारा नाम मैंने खुद ही रखा है, एक और बार सुनोगे? क्या कहा एक और? अरे बाप रे बाप। अरे बाबू रुक जाओ। Yes, we're in position. Come on, focus. पक्का है वो लोग आज यहाँ आएंगे ही, किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा ना जाने पाए। Focus on him. Not this, that guy. Wait, क्यों कर रहा है? On shoot him. Shoot कर. Come on. बेचारा चूक गया. Again. One, two, three, 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 three,
टाइगर एनटीआर फैन सुपरस्टार महेश बाबू फैन पावर स्टार पवन कल्याण फैंस। भास्कर जी ये सब क्या है? शो का टाइम खत्म हो रहा है, तुम अभी तक यहीं हो? वेल विशर का पैसा दो। रेंट गाय। सॉरी ब्रदर्स, प्रिंट की पायरेसी हो रही थी, हमने पकड़ा। hey, ये पावर स्टार सुपर स्टार यंग टाइगर ने दिन रात मेहनत करके इसमें एक्टिंग किया, इस फिल्म का पायरेसी करने का हिम्मत किसने किया? इस फिल्म के लिए पूरा खानदान फैन है, पैसा कमाना है तो तरीके से कमाओ। टॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड सारे वुड को चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी फिल्मों की पायरेसी करने की हिम्मत किस कधे ने जुटाई है? उसका नाम बताओ, उसकी हड्डी बस्ती तोड़ते हैं। वो उस गाड़ी में है, वो इधर ही इशारा कर रहा है। बॉयज अटैक, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ये लो प्यारे, अब मैं कभी पायरेसी नहीं करूंगा, हमारा काम हो गया। Come on guys, let's go. Take it. What is your plan? There is a rebel in every youth. This is our band name, sir. R-E-Y, Ray? Ray! जेना मैडम, मैडम आपके कहने के मुताबिक वो लोग अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। फिर डांगे क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है मैडम। मतलब? बहुत डर गया है, जीने के लाले पड़ गए हैं, उसको इतना पीटा है क्या बताऊं? तीन बड़े स्टार के फैन आए थे, हमें पान की तरह चबाकर थूक के चले गए। उनके बैंड का नाम क्या है? रे। रे? रे। एक्सेलेंट। रे। क्रेजी। रे। स्टॉप। बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।